हेलो गाइस, वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। माय नेम इज चिराग बल्ला, आई एम स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। तो पिछली वीडियो में हमने सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सीखा था, हमने उसको करके भी देखा था और आपको थोड़ा बहुत समझाया भी था। और इस वीडियो में हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो उसको सीखेंगे भी और देखेंगे भी वो कैसे होते हैं। तो पिछली वीडियो में मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने इस वीडियो में भी मदद कराई है, और एक नया साथी हमारे साथ जुड़ा है, आपका उन सभी से परिचय करा देता हूँ। माय नेम इज हितेश गोयल, आई स्टडी इन 9th क्लास। आई एम अनिल, आई स्टडी इन 9th क्लास। हेलो गाइस, माय नेम इज सार्थक दिया एंड आई स्टडी इन 9th क्लास। अरे भाई चिराग, ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? भाई ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है और इसके पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं। अरे सार्थक भाई, ये कोलाइडल और सस्पेंशन क्या होता है? भाई कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलाइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और वो दोनों को मिक्स कर लेते हैं, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो लाइट को पास भी नहीं करने देते, और कोलाइडल में लाइट जो है वो पास हो जाती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरह से हैं: 3 बीकर, वाटर बॉटल, मिल्क, सॉल्ट एंड सॉइल और एक प्लेन पेपर। तो चलो इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 बीकर, ये रहा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो हमने तीनों बीकरों में पानी डाल लिया है। सबसे पहले बीकर में हम डालते हैं नमक। नमक डालने के बाद हम दूसरे बीकर में डालेंगे दूध, और दूध डालने के बाद हम तीसरे बीकर में डालेंगे सॉइल मतलब मिट्टी। अब इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे तीनों सॉल्यूशन तैयार हुए हैं। अरे भाई सार्थक, हमें पता कैसे चलेगा कि इन तीनों सॉल्यूशन में से ट्रू सॉल्यूशन वाली बीकर कौन सी है, कोलोइडल वाली सॉल्यूशन कौन सी है और सस्पेंशन वाली बीकर कौन सी है? जिस सॉल्यूशन में से लाइट पास हो जाएगी वो सॉल्यूशन होगा ट्रू सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में जो हमारा लाइट है वो स्कैटर करने लगेगी वो हमारा होगा कोलाइडल, और जिस सॉल्यूशन में लाइट वापिस चली जाएगी वो होगा सस्पेंशन। करके दिखाना भी बस की है कि यूं ही बोल रहा है? हाँ भाई जरूर। देख भाई, हमारे पास ये 3 मिक्सचर हैं। पहले हम इसमें से क्या करेंगे, ये सॉल्ट वाला मिक्सचर है उसको हम अलग कर लेते हैं, और सॉल्ट वाला मिक्सचर अलग करने के बाद हम एक टॉर्च लेके उस लाइट को उस मिक्सचर में से पास करते हैं। तो हम देखते हैं कि सामने जो प्लेन पेपर रखा हुआ है सारी लाइट उस पर पहुँच जाती है। तो इस तरह से ये जो मिक्सचर है ये लाइट को रोक नहीं रहा है, और ज़्यादा साफ देखने के लिए हम कमरे की लाइट को बंद कर देते हैं। और चूंकि लाइट इसमें से पास हो गई है इसलिए इस तरह के मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। तो अब हम इस सॉल्यूशन की जगह मिल्क वाला सॉल्यूशन लेंगे और इस एक्टिविटी को दोबारा से करेंगे। तो अब हम इस सॉल्यूशन में भी लाइट को पास कराकर देखते हैं, और अच्छी विजिबिलिटी के लिए लाइट को बंद कर देंगे। और लाइट को बंद होने के बाद आप देख सकते हैं जो लाइट है वो ब्लैंक पेज पे जा नहीं पा रही है। इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो इस मिल्क के पार्टिकल्स में स्कैटर हो गए हैं और वो अंदर ही ग्लो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब हम इस सॉल्यूशन को हटा के सैंड वाला सॉल्यूशन लेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए इसे मिक्स करेंगे। और अब लाइट को फिर से पास करा के देखेंगे इस सॉल्यूशन में। अच्छी विजिबिलिटी के लिए लाइट को बंद कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो टॉर्च है
ये ना ना पेज पे जा रही है ना अंदर स्कैटर हो रही है, ये वापस ही टकरा के आ रही है, क्योंकि ये सैन के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं जिससे वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इसे हम सस्पेंशन सॉल्यूशन कहेंगे। अरे चिराग भाई, हमने ब्लैंक पेपर क्यों रखा? हमने ब्लैंक पेपर इसलिए रखा था जो वो टॉर्च है उसको जब पास कराए और जो उसका वो स्कैटर या जो भी रिफ्लेक्शन हो वो पेज पे ब्लैंक पेज पे आसानी से दिख सके। तो आज हमने इस वीडियो में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में सीखा, और ऐसी और वीडियोस के लिए सर्वोदय शिक्षा से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम आगे और कौन सी वीडियो शूट कर सकते हैं। धन्यवाद।